और एक तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं आपको, सुनकर के बड़ी हैरत होगी। एक आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है, रमजान के महीने में वो कौन आदमी है जानते हैं आप? रोजा रखने वाला, ऐसा नहीं। जो एतकाफ में बैठा हुआ है वो 24 घंटा इबादत में रहता है, सोएगा फिर भी इबादत में, खाना खाएगा फिर भी इबादत में, यहां तक के पेशाब के लिए जाए, पखाने के लिए जाए, तब भी इबादत में लिखा जाता है। लेकिन जानते हैं उस एतकाफ के लिए जवान को फुर्सत नहीं है। जो सबसे रिटायर बूढ़ा होगा मोहल्ले में, जो रात भर बीड़ी फूकते फूकते हुक्के का बाहर दिल का धुआं निकालता रहता है, उसी को किराया करके बोरो करके लाया जाता, बिठाया जाता। आप बैठ जाइए, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। वो बूढ़ा जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने एतकाफ का जनाजा उठा दिया, एतकाफ का तमाशा कर दिया, इसलिए रमजान मिलने के बाद भी हालत नहीं बदल रही। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 10 दिन में। रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 15 दिन में। तरावी खत्म हो गई, लोगों ने तरावी खत्म को क्या समझा? तरावी अब खत्म, तरावी से छुट्टी। तरावी के खत्म होने का मतलब था कि कुरान खत्म हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, ये मतलब था। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। अब 15 दिन में तरावी खत्म, कुरान खत्म हुआ, तरावी खत्म समझ लिया। 10 दिन में कुरान खत्म हुआ, खत्म तरावी समझ लिया। अब लैलतुल कद्र आ रही है 20 के बाद, अब मस्जिद में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। 83 साल की रात आई और चली गई, ये सोता ही रह गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब तरावी के लिए हाफिज का इंतखाब होता है तो कमेटी के लोग बैठ करके कहते, यार ऐसा हाफिज लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, सीधे एक दिन में बिहार से दिल्ली पहुंचा दिया, कटिहार से दिल्ली पहुंचा। तो जैसी रू वैसा फरिश्ता, एक हाफिज आ गया, हाफिज खान ही अंदर से, वो बोला कि आंख बंद करके आपको दिल्ली पहुंचा देंगे, इस बार हमको मौका दे दीजिए। लोगों ने कहा, यार नहीं, बहुत भारी तरावी हो जाएगी, 3 दिन में खत्म कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन जब आया तो क्या कहता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांटो, खत्म हो गई। अब उसमें एक आदमी था, उसको शक हुआ, सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं, सिर्फ यादव तालबू करके सीधा दिल्ली पहुंचाया। वो आदमी खड़ा हुआ कि हाफिज साहब जरूर दाल में काला है, जरूर घोटाला है, मैं पीछे रहा, सूरह यासीन तो आई नहीं। अब ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है, इसने सोचा कि निकलने का रास्ता क्या होगा, ये मंतिक से कैसे निकलता है दिखाने के लिए जा रहा। कहता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जान बूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया, ये मुर्दा पर पड़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पड़ी जाती है, अगर मैं पढ़ देता तो पीछे आप लोग जिंदा नहीं रहते, सब मर जाते। तोहफा मुसलमान को, तोहफा मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक तोहफा मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, तोहफा मुसलमान लेकर आ गया है, बेशुमार बरकतें दिन रात बरसती है, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा मुसलमान को, रमजान मुसलमा को, कर लो मैं जुबार नजरों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की
हम पढ़ते हैं तरावी हम कुरान मुबारक हो पाए मुसलमा को रमजान मुबारक हो अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो अल्लाह का